के बीच में मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जज साहब आप बाप की तकलीफ लोग आके पूछ रहे हैं हमें आपकी बेटी कहाँ है, हमें कितनी तकलीफ हो रही है, हर चीज में उन्होंने स्कैम किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। अगर वो इतनी तमीजदार अच्छी खातून होती तो लाजमी सी बात अपने बच्चे को उसी वक्त रोक लेती, पहले ही मेरी बच्ची को मना कर लेती। एक बात है, डाइवो वगैरह का पता नहीं कहाँ कहाँ से सब सीख साख कर मेरे बच्ची का पूरा माइंड वॉश कर दिया है। मैं बस जज साहब ऐसा मेकअप इसने करना शुरू किया है, स्कूल से अपनी दोस्तों से सीखी है, हमने नहीं इसका ब्रेन वॉश किया। लेकिन लाजमी से उसकी बात को गौर से सुने। जैसा आप इस बच्ची का आप पहना बढ़ावा देखें, 15-16 साल की 8 क्लास की बच्ची, इसने फैशन ऐसे करना शुरू किए हैं, इसने इतना फैशन इसकी माँ नहीं करती जितने फैशन ही बच्ची कर रही होती है। क्योंकि क्यों? क्योंकि काशिफ को पसंद है, मैं मेकअप करूंगी। आप ये देखें, आप ये अल्फाज ये माँ से कह रही है कि काशिफ को पसंद है, मैं मेकअप करूंगी। 15-16 साल की जिस तरह से बात आप देख ले, आप लोग प्लीज चुप रहे, प्लीज आप लोग चुप रहे। मुझे बताओ तुम इस चीज की जिम्मेदारी लेती हो कि ये असली माँ बेटे जी। क्या पता ये असली माँ बेटे जी, मैं जज साहब इनके घर ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक मिनट, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फिर आप जी तो गलत बात नहीं कर रहे, जो बात का मुद्दा है उसको पेश करें। मैं बताऊं, गलत बात नहीं कर रहे, हिसाब से बात कर रहे, मुद्दे पर आए आप बात के। जज साहब बहुत सफाई से इस औरत ने अपने शौहर को तो कह दिया कि वो है ही नहीं, क्योंकि वो कोई है ही नहीं। ये नहीं कहा तो कहाँ है वो, कहाँ है वो, देखा गुस्से हुए नाराज हुए उसने, ये बात आपकी हरकतों की वजह से हो गए नाराज। कई साल मां बेटे लग रहा है आगी कि किसी की बेटी आनी रात गए ढाई बजे घर से बाहर से बात करो बेटा, ये सिखाया आपने, ये तरबियत दी हमने आपको, बताएं बहुत बुरा हो जाएगा निमरा तुम्हारे साथ, बहुत नहीं करो बेटा, नहीं करो ऐसा प्लीज, मेरी खुशी में खुश हो जाए प्लीज। आप तो चुप रहे, हम अपने बच्चे, आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तो सब अभी तक आपकी की सुनी है, सबसे बड़ी मुसीबत यही अभी तक आपकी सुनी है, तभी आज दिन देखना पड़ा हमको कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मेरी बात सुन ले अम्मी प्लीज। बेटा तुम्हारी क्या बात सुनेंगे, तुम बच्ची हो, तुमने आज तक एक ड्रेस अपनी पसंद का नहीं पहना और तुमने ये पसंद किया। ये देखें इनको 9 महीने इस माँ ने बच्चे ने अपने माँ को अपने पेट में रखा, उसकी बात नहीं सुनने को, 6 महीने से उन्होंने उसका ब्राइंड ऐसा वॉश किया हुआ है कि उसको छोड़कर हमें छोड़कर वो उनकी तरफ पूरे तरीके से हो गई है। चाचा मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेहरबानी करके हमारी बच्ची नाबालिग है, हमारी बच्ची हमारे हवाले कर दे और ऐसे घटिया लोगों को इतनी खतरनाक से खतरनाक सजा दे कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुनिया में हमारी एक मिसाल कायम हो कि इसके इनके साथ क्या होना चाहिए। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जज साहब। मैं देखें सर, थोड़ा ये मौका देखकर मैं भी थोड़ी जसारत करूंगा, कुछ आपको भी एडवाइस करूं। देखें पेरेंट्स की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पैदा तो हो जाते हैं फिर उसके बाद उनका पालना पोसना, उनकी तालीम, उसके साथ तरबियत भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपने बताया कि क्लास में फर्स्ट आती थी, ये सारा कुछ, बिल्कुल तालीम तो आप अच्छी दे रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं तरबियत में कमी रह गई। जैसा बस मोबाइल देके गलती कर दी, बस थे कि बच्ची है, असाइनमेंट वगैरह होते हैं, दोस्तों से स्कूल का ग्रुप है वहां से कुछ हेल्प मिल जाती है, हमें नहीं पता था कि ये